बड़ा बदलाव मैं देख पा रहा हूँ। अभी मैं भी 3-4 स्कूल में सम्मिलित हुआ और मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ कि बच्चों ने बहुत कॉन्फिडेंस से इस सो कॉल्ड गर्ल्स ओनली टॉपिक पे बात की, चुप्पी उनकी टूटी और उनको एक सामान्य प्रक्रिया मानते हुए उन्होंने ये बताया कि हमें इसमें शर्माना नहीं चाहिए और इसमें सभी से खुल के बात करनी चाहिए और हमारे जो प्रश्न हैं अनासक नहीं रह जाएं, जिससे हमारे अंदर कुंठा बनी रहे। तो ये सब बातों के बारे में जो सेंसिटाइजेशन की जा रही है, तो बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं। इससे एक स्टेप बढ़कर मैं गणगौरी बाज़ार के स्कूल में गया था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चियों के पिता भी वहाँ पर आए थे और जो पिता हैं, जब पिता और भाई भी इस विषय में जुड़ने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो सामाजिक रूढ़िवादी सोच है और जो कुरीतियाँ हैं और जो इस विषय के बारे में बातचीत करने पे रोक टोक की मानसिकता है, उस पर काबू पाया जा सकेगा और उसमें सुधार होगा और बच्चियाँ खुल के बात करेंगे। नागौर ज़िले में ज़िला कलेक्टर की हैसियत से रात्रि चौपालों में और गाँवों के भ्रमण में ये बात सामने आई कि कई बच्चियों को माहवारी प्रबंधन में दिक्कत की वजह से स्कूलों से एब्सेंटिज्म, अनुपस्थित रहने की समस्या है, कई बच्चों को स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। तो ये जब बातें सामने आई तो फिर उसकी तय में गए तो पता लगा कि कई अनहाइजीनिक मेथड्स अपनाए जाते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है और फिर अंततः उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मसम्मान है, वो भी नीचे जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान की शुरुआत नागौर में 2017 में की गई थी और इसमें काफ़ी बच्चियों का हमने ओरिएंटेशन किया, सेंसिटाइजेशन किया, उनको बुकलेट्स दी गई और एक सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा ऑपरेटेड रियाबाड़ी ब्लॉक में नागौर में वो भी शुरू किया गया। यही चीज़ फिर अलवर में भी दोहराई गई और अब जयपुर में भी उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। मैंने इस 5-6 साल के सफ़र में ये पाया कि फील्ड में काफ़ी बदलाव हुआ, इस विषय में काफ़ी जागरूकता आई है और बच्चियाँ पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और अब जो राज्य सरकार की उड़ान योजना के तहत यूनिवर्सली फ्री सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उससे भी बहुत हाइजीनिक ढंग से इस चीज़ को मैनेज कर रही हूँ हमारी बच्चियाँ। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान की जयपुर ज़िले में दीर्घकालीनता बनी रहे इसके लिए हमने दो व्यवस्थाएं की। एक तो स्कूल खुलने के बाद हर महीने के तृतीय बुधवार को 2 घंटे का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कार्यशाला आयोजित की जाएगी ताकि ये जो लर्निंग्स हैं ये सतत रूप से और सुदृढ़ होती रहें और रीइन्फोर्समेंट ऑफ लर्निंग होती रहे। दूसरा, जो एक्टिव बच्चियाँ हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जिनको इस विषय में अच्छी समझ है, उनको हमने हाइजीन एम्बेसडर, स्वच्छता दूत नियुक्त किया है। उनको जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से, जिला प्रशासन की तरफ से सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं और उनको ये ड्यूटी भी दी गई है कि आपको इस विषय के बारे में पीयर लर्निंग के माध्यम से सतत तौर पे अपने आसपास बच्चों के साथ बात करते रहना है। तो मैं समझता हूँ इन 2 इंटरवेंशन से जो इसकी दीर्घकालीनता है वो बनी रहेगी। टेंडर प्रक्रिया में जो स्टेट लेवल पे फीडबैक है वो हमने पहुंचा दिया है। हमारा प्रयास है कि सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर बनी रहे, उस जगह जहाँ पे दिक्कत है उसमें हम संबंधित विभाग से बात करके उसको रिजॉल्व करें।